ठंड का मौसम आते ही उसके साथ आती है ढेर सारी बीमारियां, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, सीने में जकड़न जैसी बहुत सारी बीमारियां जो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे में इन बीमारियों से कोसों दूर रहने और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आज हम बनाएंगे ये बहुत ही इफेक्टिव जिंजर कैंडी। ये कैंडी नॉर्मल कैंडी जैसी नहीं है, इसे खाकर आप बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि इसे हमने बनाया है अदरक और गुड़ से, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं इसके, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं ये बहुत सारे फायदों वाला जिंजर कैंडी कैसे बनाया जाता है। तो ये जिंजर कैंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम अदरक लिया है। इस अदरक को मैंने अच्छे से धोने के बाद इसको साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब इस अदरक को हमें भूनना है, तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑन करके इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर बारी बारी से ये अदरक सारे रख देंगे। तो सर्दियों में अदरक खाने की तो ऐसे ही बहुत फायदे होते हैं, पर भुनी हुई अदरक खाने के तो अलग ही बहुत सारे फायदे हैं। तो इसलिए हम इस जिंजर कैंडी को आज ये अदरक भूनकर बनाएंगे। तो इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, अलट पलट कर फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और अदरक को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये एक तरफ से रोस्ट हो जाए तो इसको पलट लें और दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जिंजर काफी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल भर के पानी लिया है। ये सारे भुने हुए अदरक को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मसल मसल कर हाथों से साफ कर लेंगे। इसके ऊपर जो काले काले छिलके हैं उन्हें हम अच्छे से हाथों से रगड़ कर साफ कर लेंगे। तो उसको एक से दो बार पानी से धोकर साफ कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने भुने हुए अदरक को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। अब हमें इसके छिलके उतारने हैं, तो इसके लिए हम चम्मच लेंगे और चम्मच से इसके छिलके बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। तो सारे भुने हुए अदरक से हम ऐसे ही छिलके उतार कर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे छिलके इसके उतार लिए हैं छिलकर। अब ये जो अदरक हमने भुने हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, देख रहे हैं आप कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। तो इनको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि हमें इनको ग्राइंड करना है, अभी पीसना है। तो मैंने यहाँ पे सारे अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको पीसने के लिए हमें पानी का यूज नहीं करना है। इस भुने हुए अदरक में ऑलरेडी काफी नमी है, तो ऐसे ही ये पीस जाएगा। इसको हमें पेस्ट जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अदरक को पीस कर तैयार कर लिया है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो अदरक पीसने में, तो आप इसमें एक से दो चम्मच पानी डालिए बस, और इसका पेस्ट बना लीजिए। अब हम इसकी कैंडी बनाएंगे। तो इधर मैंने एक पैन गरम होने को रखा है, इसमें हम ये अदरक का पेस्ट डालेंगे और 250 ग्राम जो कि मैंने अदरक लिया था, तो इसके साथ हमें लेना है 300 ग्राम गुड़। तो ये मैंने देसी गुड़ लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो गुड़ डालकर हमें इसको अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करना है और गुड़ के घुलने तक हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखकर चलाते हुए मेल्ट कर लें। तो यहाँ पे आपको गुड़ को पिघलाने के लिए भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जिंजर में ऑलरेडी काफ़ी सारा पानी होता है, मतलब ये काफ़ी जूसी होता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी पानी ना डालें और फ्लेम को मीडियम पर रखें। और देखिए अभी ये गुड़ जो है अच्छे से पिघलने लगा है, बस 4 से 5 मिनट में ये सारा गुड़ जो है पिघलने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे गुड़ काफी अच्छे से पिघल गया है पूरी तरह से। अब इसमें हम उबाल आने का वेट करेंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएं। और अब देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुटी हुई सौंफ ली है, 1 छोटी चम्मच। सौंफ को मैंने इमाम दस्ते में अच्छे से कूट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ली है, आप काली मिर्च को दरदरा पीस के ले लें। और साथ ही मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन ली है, अजवाइन को भी मैंने दरदरा कूट कर लिया है। इससे इनका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है जिंजर कैंडी में। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काला नमक। तो काला नमक बहुत जरूरी है, इसमें जरूर डालें और इसमें सफेद नमक बिल्कुल ना डालें। 1 छोटी चम्मच हमें काला नमक डाल देना है। अब 1/2 छोटी चम्मच हमें इसमें इलायची पाउडर डालना है, आप इलायची को कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही हमें 1 छोटी चम्मच इसमें डालना है देसी घी। तो देसी घी भी बहुत ज़रूरी है, देसी घी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे लिए, तो इसको अपने डाइट में जरूर शामिल करें। तो सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इस पेस्ट को काफ़ी अच्छे से पकाना है, जब तक ये पूरा थिक नहीं हो जाता है, मतलब ये एक जगह सारा इकट्ठा नहीं होने लगता, तभी हम इसको कैंडी का शेप दे सकते हैं। तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। तो अभी दोस्तों आप 5 से 6 मिनट बाद देख सकते हैं हमारा जो ये जिंजर कैंडी का मिश्रण है वो अच्छे से
से एक जगह इकट्ठा होने लगा है, मतलब डो जैसा बनने लगा है और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा ठीक होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारा जो मिश्रण है जिंजर कैंडी का वो काफी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे और चलिए अब इससे कैंडी बना लेते हैं। तो इससे कैंडी बनाने से पहले हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगा लें और इस जिंजर कैंडी के मिश्रण से थोड़ा सा पोर्शन ले लें हाथों के ऊपर और इस तरह से गोला शेप दें छोटे से लड्डू की तरह। और फिर हमें इसको शुगर से कोट करना है। तो मैंने यहाँ पे शुगर की जगह पे मिश्री का पाउडर लिया है, जो धागे वाली मिश्री होती है उसको मैंने पीस कर लिया है। आप इसकी जगह पे बूरा या फिर चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। अब बाजार में जो गटागट मिलता है उसको देखते होंगे शुगर कोटेड होती है, तो क्योंकि ये एक दूसरे से चिपके ना इसलिए हम इसको शुगर से कोट करते हैं। तो देखिए हमारा ये जिंजर कैंडी कितना बढ़िया बन के तैयार है। आप इसको बच्चों या बड़ों के हिसाब से जिस साइज में बनाना चाहें उस साइज में बना सकते हैं। तो सारी जिंजर कैंडी हम बारी बारी से इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और इस जिंजर कैंडी को आप 2 से 3 महीने एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होगी और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए सेफ है। जिंजर के फायदे तो आपको पता ही है और जिस तरह से हमने इसको बनाया है अदरक को भूनकर उससे इसका आपको डबल फायदा मिलेगा और गुड़ का भी आपको पूरा फायदा पता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है और ठंड में इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो आप भी इस जिंजर कैंडी को घर पर जरूर बनाइए और सारी बीमारियों को बाय बाय कहिए। खाने में आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। तो रोज एक कैंडी खाए और सबको खिलाए। कैसी लगी मेरी जिंजर कैंडी की रेसिपी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।